आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। जनपद अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निदेशक तथा क्षेत्राधिकारी अयोध्या के नेतृत्व में आज 9 सितंबर को शारदा सहायक नहर में मिले शव की पहचान अमित कुमार सिंह पुत्र इंद्रजीत निवासी सहातगंज काली माता मंदिर तोपुर थाना कैंट जनपद अयोध्या के रूप में हुई थी, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर 302-201 IPC की धारा बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह मैं थाना पूरा कलंदर पुलिस फोर्स व सर्विलांस SOG टीम की से प्रकाश में आए अभियुक्त गौरव सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम मुरारपुर भिटिरिया थाना रामसनही घाट जनपद बाराबंकी ने अमित कुमार सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह निवासी सहादतगंज काली माता मंदिर तोपुर थाना कैंट जनपद अयोध्या को धारदार नुकीले हथियार से मारपीट कर कौशाली पुल थाना रौनाही अयोध्या क्षेत्र में हत्या कर दी गई तथा शव को छिपाने की नियत से बहते हुए शारदा नहर में फेंक दिया गया, जिसे रौनाही कस्बा को से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना कारित करने के प्रयोग किए गई गाड़ी नंबर संख्या UB41BC3028 मोबाइल फोन आलाकत्र तथा एक चाकू गाड़ी की टूल किट जिसमें गाड़ी का जैक रॉड व पाना बरामद कर जेल भेजा गया। उपरोक्त मामले में पुलिस अधीक्षक नगर ने पत्रकारों को जानकारी दी। देखिए इस रिपोर्ट में। ये प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पे 12 तारीख को नहर में बहते हुए एक लाश मिली थी, बाद में जिसकी पहचान अमित सिंह के रूप में हुई। इस संबंध में अमित सिंह के भाई द्वारा थाना पूरा कलंदर पर हत्या और हत्या करके शव को फेंक देने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस पंजीकृत मुकदमे की विवेचना थाना पूरा कलंदर के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही थी। स्वाट सर्विलांस टीम लगाई गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो अभियुक्त प्रकाश में आया है उसका नाम गौरव सिंह है। गौरव सिंह द्वारा अपने निजी लाभ के लिए अपने मामा के लड़के अमित सिंह की हत्या करके लाश को नहर में फेंक दिया गया था। अभियुक्त के कब्जे से जो है घटना में प्रयुक्त आलाकत्र चाकू बरामद किया गया है। घटना में जिस वाहन का प्रयोग किया गया वो भी बरामद किया गया है। अभियुक्त का रिमांड पुलिस द्वारा लेकर उसे न्यायिक अवरक्षा में जिला कारागार भेजा जा रहा है।